नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में सराफा व्यापारियों से शुद्धिकरण के नाम पर 1 करोड़ की चांदी और सोना लेकर फरार चौक के रहने वाले अमित अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से 116 किलो चांदी और 425 ग्राम सोना बरामद किया है। साथ ही 1,04,000 कैश भी मिला है। कमिश्नर लखनऊ के डी के ठाकुर ने बताया कि चौक के ही 5 सराफा कारोबारियों ने अमित पर चांदी गबन करने का आरोप लगाकर पिछली 19 जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चौक पुलिस ने एक आज बड़ा गुड वर्क किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीसीपी वेस्ट है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है। सर, आज एक चौक कोतवाली ने बड़ा गुड वर्क किया है, क्या है सर पूरा मामला? थाना चौक के अंतर्गत एक व्यक्ति ने बहुत सारे सराफा व्यापारियों का माल लेके गायब हो गया था। इस संबंध में 5 अभियोग थाना चौक में पंजीकृत हुआ था। आज हमारे टीम को सफलता मिली हुई है। इसमें 1 करोड़ रुपए का लगभग जो कीमती का सामान बरामद हुआ है, उसमें 1 क्विंटल चांदी और 425 ग्राम सोना बरामद हुआ है। साथ ही साथ 1,04,000 रुपये बरामद हुए हैं। अभियुक्त अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम सीपी लखनऊ द्वारा घोषित किया गया है। सर, ये जो गिरफ्तार हुआ है, ये कौन था और क्या था, इसका क्या प्रोफाइल है? ये अमित अग्रवाल नाम का ये भी सराफा व्यापारी था। तो इन्होंने बहुत सारे सराफा व्यापारियों का जो माल लेके यहाँ से गायब हो गया था, इसी से जो टीम ने लग के हमारा जो टीम इसका गिरफ्तार करके माल बरामद किया है। ये तो डीसीपी वैसे इनका साफ तौर पर कहना है कि चौक कोतवाली सर्विलांस टीम ने और चौक पुलिस ने बड़ा गुड वर्क किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि और इसमें कई लोग हैं, उनको गिरफ्तार करती है। कैमरामैन दीपक के साथ शादाब सिद्दीकी, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां पिछले दिनों पिटबुल नस्ल के एक कुत्ते पर अपनी ही मालकिन को नोच नोच कर मार डालने का आरोप लगा था, जिसके बाद उस कुत्ते को लखनऊ नगर निगम ने जब्त कर लिया था और उस कुत्ते को पशु कल्याण केंद्र में रखा गया था। बता दें, पिटबुल के मालिक को पशु कल्याण केंद्र ने सशर्त कुत्ता सौंप दिया है और पशु कल्याण अधिकारी ने बताया कि लिखित तौर पर मालिक ने यह बात स्वीकार की है कि उस कुत्ते को पहले वो ट्रेनिंग सेंटर ले जाएंगे, उसके बाद उसे अपने घर ले जा सकेंगे। देखिए, आज पिटबुल को रखे हुए हमारे पास 14 डेज पूरे हो गए थे। कल अमित त्रिपाठी जी ने नगर निगम से अनुरोध किया था कि पिटबुल उनको या इनके किसी रिश्तेदार को या फिर उनके कहने के अनुसार किसी को दे दिया गया। तो आज अमित त्रिपाठी जी पुनः आए हैं और उनके कहने के अनुसार आज उन्होंने अनुरोध किया कि किसी बेहबली से डॉग ट्रेनर को उनके द्वारा जो बताया गया उनको दे दिया गया है। पिटबुल को रिहा कर दिया। आपको बता दें कि पिटबुल ने अपनी मालकिन को नोच नोच कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद नगर निगम ने इस कुत्ते को जब्त कर लिया था, लेकिन सशर्त इसे रिहा कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दोबारा वापसी के बाद सभी मंत्रियों को लक्ष्य तय कर काम करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यालय के मुख्य सभागार में प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रशिक्षण प्रदाताओं से अपील की गई कि वो अपने व्यावसायिक हितों से आगे बढ़कर सोचें और कौशल विकास मिशन की तरक्की में अधिकाधिक योगदान दें। वहीं प्राइम टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद है कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। सर, आज यहाँ पे समीक्षा बैठक रखी गई है, इसमें क्या चर्चा की जा रही है और बैठक के दौरान जो विभागीय कार्यों की समीक्षा की जा रही है, इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं और क्या बैठक में की जा रही है? हमारे विभाग का जो खासतौर से मिशन के लिए जो हमारा कौशल विकास मिशन है, उसके लिए हमने देश भर के जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हमने बुलाया है और बुला करके उनके साथ इंटरेक्शन, उनकी बातचीत, उनकी समस्याओं का समाधान और उनको सुन करके अपनी बात उनको बताना। जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा करना है। जो हमारे अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको डिबार कर रहे हैं। और ऐसा मिला करके उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का जो टारगेट है युवाओं को स्किल से जोड़ना, उनको प्रशिक्षित करना और उसके बाद उनको रोजगार से जोड़ना, इसमें लगातार हम काम करें, उसी के लिए हमने आइए। सरकार 2.0 पर चल रही होगी, सरकार 2.0 इसमें कहा गया है कि 100 दिन का टारगेट रखा जाएगा, फिर 6 महीने का। तो 6 महीने के आपके विभाग का क्या टारगेट है?
मैंने आपको बताया अभी हमारे टाटा के साथ जो टाटा है उसके साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है और टाटा से एमओयू साइन करके जो हमारी आईटीआईज हैं उनको डेवलप कर रहा है। अभी 50 आईटीआई हमने शुरू में लिए हैं तो 4,000 करोड़ रुपया टाटा लगा रहा है उनको डेवलप कर रहे हैं उनको नए स्किल के साथ नए मोटिवेशन के साथ नई मशीनरीजी के साथ टाटा हमारा काम कर रहा है। उसके बाद डिफरेंट कंपनीज के अंदर हम बच्चों को प्रशिक्षित करके अभी 3 रोजगार मेले हमने लगाए हैं। अभी हमारे प्रत्येक जनपद के अंदर और प्रत्येक मंडल के अंदर रोजगार मेले लग रहे हैं लगने वाले हैं। उसके अलावा हमारा स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी लगातार हम टारगेट दे करके DDU GKY में और PMKVY में उनको हम टारगेट दे के उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में सोलर में ड्रोन में ई फर्टिलाइज़र में और आपका एविएशन में ऐसे जो डिफरेंट नए सेक्टर्स हैं होटल मैनेजमेंट में उन्हें प्रशिक्षित करके युवाओं को रोजगार जोड़ने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको तकनीकी शिक्षा और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट को लेकर सरकार काम कर रही है और उन्हें तमाम जो तकनीक नई आई है उसको भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वो अपने बेहतरी के लिए काम कर सके। कैमरामैन शुभम के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर मैनपुरी से है जहां पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की तहसीलदार एवं SO ने पुलिस टीम के साथ अचल संपत्ति जब्त कर ली है। और बता दें कि 4 माह पूर्व आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, इसके ऊपर अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने एवं अन्य मुकदमे भी दर्ज हैं। आरोपी लोहे का कारखाना चलाने के नाम पर अवैध शस्त्रों का निर्माण करता था। आरोपी की लगभग 1,50,00,000 की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। मैनपुरी के एलाऊ थाना अंतर्गत अफरोज जो शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है उसके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के तहत 14(1) के अंतर्गत उसकी 1,51,00,000 की प्रॉपर्टी सीज की गई है जो उसने अवैध तरीके से अपराध कारित करके संपत्ति अर्जित किया है। इसमें उसकी एक फैक्ट्री और उसका मकान सीज किया गया है। अफरोज के ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और ये अवैध रूप से शस्त्र बना करके उसको विक्रय का काम करता था। इस प्रकार उसकी आज कुर्की की कार्रवाई LIU पुलिस द्वारा कल किया गया। खबर आगरा से है जहां 26 तारीख को थाना ताजगंज क्षेत्र में कारगिल शहीद के घर पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास कई कीमती सामान भी बरामद हुए हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इस घटना में अन्य कोई और भी शामिल पाया गया तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छा काम किया है आगरा पुलिस ने, हमारे CO सदर साहब ने, थाना प्रभारी साहब ने मिलके बहुत संतुष्टि वाला काम करके दिया है और इसे हम पूरी तरीके से खुश हैं कि ये बहुत जल्दी से कार्रवाई हुई। विदिन 24 आवर्स आगरा पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया है। इस घटना में शामिल 2 अभियुक्त सत्येंद्र और सोनू और विपिन पुत्र रामलाल इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से और इनकी निशानदेही पर करीब 3.5 लाख रुपए कैश और घटना में लूटे गए जो ऑर्नामेंट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। घटना के बाकी पहलुओं के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फरुखाबाद से है जहां स्वयं सहायता समूह की महिला को चयन के 10 माह बाद भी राशन कोटे की पत्रावली आवंटित नहीं हुई है। महिला के देवर का आरोप है कि रिश्वत की पूरी धनराशि न देने के कारण कोटे का आवंटन लटका हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक की है। खबर गाजियाबाद से है जहां के विजयनगर इलाके में एक युवक के साथ भीड़ द्वारा मारपीट किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ भीड़ लाठी डंडे लात घूसों से मारपीट करती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक नव युवक शराब पीकर बबाल किया करता था जिसके चलते लोगों ने उसके साथ मारपीट की। तो उधर लड़के की माँ का कहना है कि वो पुलिस में कोई शिकायत नहीं करना चाहती है। शराब पीकर उधर चला गया गली में तो उन्होंने उसके साथ वो मारपीट करी है और उन्होंने शीशा से तोड़ दिया दुकान को। आपके लड़के ने? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपके द्वारा कोई तहरीर वगैरह दी गई? तहरीर और उन्हें पुलिस वाले को फोन करा, वे लेकर गए उसे।
खबर कौशाम्बी से है, जहां आसमान से आफत बरस रही, आकाशीय बिजली गिरने से जिले में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है, जिस पर सीएम योगी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही दिवंगत परिवार को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की बात भी कही है। यार काट रही थी तो इसकी मम्मी बोली कि मशीन पर भाग जाओ। एक यादव की मशीन रही थी इनके दादी का, और इनके इनको बोली कि मशीन पर भाग जाओ, तो ये अपना वहीं खड़ी हो गई। जब वहाँ खड़ी हो गई तो घर में चटचटा के गिरा, तो उसे मौत हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेम। उसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक महिला और एक बच्चे हुए हैं। इसमें एक व्यक्ति तहसील मंडन को, एक सड़क और 5 तहसील चैनल में मृत्यु हुई है। और इन सभी के जो वारिस हैं उन सभी को दर्जाबदार के अंतर्गत जो अनुमंड सहायता राशि है 4 लाख रुपये की, वो उपलब्ध कराई जा रही है। और इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो हैं वो आकाशवाणी के कारण फुलस गए हैं, उनका इलाज संयुक्त चिकित्सालय में चल रहा है। खबर बदायूं से है, जहां ग्राम पंचायत हरमपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुछ महीनों से बंद पड़ा है, जिस पर अब तक जनपद के उच्च अधिकारियों की नजर नहीं पड़ी। वहीं इस मामले पर जब ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत हरमपुर के प्रधान से बात करी तो उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का निरीक्षण किया था, जिसमें विद्यालय के हेडमास्टर पर लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से अभी तक विद्यालय में किसी की तैनाती नहीं हुई है। बंद है, वे एप्लीकेशन जागा था, मेडिकल पर हैं। जिस बार हम जाते हैं स्कूल, तबार हम पूछते हैं हमारे साहब क्यों नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, तो कहीं कहते हैं हमारी बीवी के चोट लगी गई है, इसलिए आप ना आ रहे हैं। जब ज़्यादा पूछते हैं तो कहते हैं हम तो मेडिकल पर चल रहे हैं, मेडिकल पर चल रहे हैं। तो हमने एक बार उनसे जाकर, मेडिकल की कोई तो लिमिट होती है, महीना की, 6 महीना की, तो कहीं प्रधान जी आप हमारी समस्या नहीं समझ रहे हैं। खबर आगरा से है, जहां डिजिटल लॉक की गाड़ियों का लॉक खोलकर 5 मिनट में गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का जिले की पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी के इस्तेमाल में किए जाने वाले उपकरण का भी बरामद कर लिया गया है। ये जो पूरा आप सामान देख रहे हैं, इन सभी सामानों का प्रयोग करके वो गाड़ियों को चोरी किया करते थे, और डिजिटल लॉक की जो गाड़ियां हैं उसको चोरी करने में इनको 5 से 7 मिनट का समय लगता था। जो इनके पास डिवाइस है, उस डिवाइस से उसके प्रोग्रामिंग में घुस जाते थे और अपनी चाबियों से उसमें प्रोग्राम करके उस चाबी से स्टार्ट करके चले जाते थे, और जो नंबर है उसका नंबर बदल देते थे। जो उन्होंने पहले से नंबर डिसाइड कर रखा है, जिसका फर्जी RC उन्होंने बना रखा है, उस RC का नंबर प्लेट लगाकर उस गाड़ी को आराम से लेके चले जाया करते थे। ये गिरोह जो सामने आया, ये मुख्य रूप से गाड़ियों का सप्लाई बिहार में कर रहा है, जहाँ पे शराब तस्करी के लिए ऐसी चोरी की गाड़ियाँ प्रयोग में लाई जा रही हैं, जिनको वहाँ के शराब तस्कर हैं वो कम दामों में खरीदते हैं और पकड़े जाने पर थानों पर छोड़ देते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की गई। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 छात्र चोरों को कंटेनर में चोरी का सामान ले जाते समय चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया। जो वाहनों के पार्ट्स को चोरी कर दिल्ली बेचने के लिए ले जा रहे थे, अभियुक्तों पर विधिक कार्यवाही करके न्यायिक कार्यवाही की बात कही जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देशन में चोरी एवं लूट वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत थाना बीबीनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 छात्र अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं विजेंद्र सन ऑफ रामपाल, निवासी ग्राम रंजीतपुरा, थाना बीबीनगर, एवं इसका दूसरा साथी है राजेश सन ऑफ राम जी, निवासी ग्राम दयापुर, थाना हंसवर, जिला अंबेडकर नगर।
खबर अलीगढ़ से है, जहां के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के गांव माछुआ में खेतों में पानी लगाने के विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। आरोप है कि दबंग पक्ष के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट फायरिंग की और उनके पक्ष की एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया। इसको लेकर पीड़ित पक्ष की तरफ से आरोपी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर जांच कर रही है। भीमानी आजा समाज पार्टी उन ऐसे सभी गरीब लोगों के साथ खड़ी है जिनके साथ जास्ती होती है, जिनके साथ अमानवीय कृत्य होता है, जो कमजोर लोग हैं, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ भीम आर्मी खड़ी है, आजाद समाज पार्टी खड़ी है, भाई चंद्रशेखर आजाद खड़े हैं, हम उनकी टीम के सारे लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। हम पानी काटने गए तो इन्होंने जबरदस्ती से पानी नहीं काटने दिया और बीलू ने सीधा हम पे फावड़े का वार किया, तो ये सीधा वहाँ से गए दो जने, तो ये अपने घर से लेवा के ले गया बीलू, तो ये अपने भाई को ले गया कोमल को, और बीलू उर्फ विनय और उसका बेटा बीलू का टैनू और उर्फ अनुज और मनवीर सिंह उनके फादर हैं, वो इन्होंने फिर वहाँ से मारपीट करने के बाद हमारे भतीजों को मार के वहीं डाल दिया। हम वहाँ से आए लेके इनके भाग के जा रहे हैं लेके में कि चलो लेके चल रहे हैं जल्दी। ये असामाजिक कृत्य है कि यदि आप अपने अधिकार की बात कह लोग कह रहे हैं कहते हैं, सिर्फ इन्होंने अपने बार अपने पानी की बात कही है, इनका गुनाह इतना है कि भाई हमारा खेत सूख जाए, हमारा नंबर पर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमारा खेत सूख जाएगा, नहीं तो 8 दिन बाद नंबर आएगा, इनका इतना ये इन्होंने जिक्र किया कि भाई हमारा इतना कसूर है, और इसको लेकर के ही इनके साथ जो हुआ है वह ठीक नहीं है, ये निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारे बच्चे पानी काटने गए तो पानी नहीं काटन ना हमारे ये पिताओ, तब तो ने कह रहे कि साले का कहते हैं धोबी आके पानी काटेगा, हमें बल्लन दे, हमने कही थी कि हमारा ये पता है और 2 घंटे रह गए, तुमने सवेरी रात हमारा पता चलाया है, 8 दिन बाद आवेगा पता तो हमारा खेत सूख जाएगा। छूटे तो उनने पामरे बजावती चले आए, मैंने हाथ भी जोड़े हैं, मैंने पैर भी छुए हैं और मेरे लात भी मारी है, झिंगा झोटी करी है, तो मेरा ब्लाउज भी फट गया, धोती भी फट गई है मेरी। मैं कह रही बेटा मिनते कि बेटे छोड़ दो, चाचा जी छोड़ दो मेरे बेटों को, पामरे से मत काटो, पर तभी नहीं मानेगा, जान से मार के यहीं दफनाए के जाएंगे। दिनांक 26 जुलाई को थाना हरदुआगंज के ग्राम मछुआ से सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में सिंचाई के पानी को लेकर के विवाद हुआ। विवाद के तहत एक पक्ष के 2 लोगों को सर में चोटें आईं, जिनको जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। चोटिल पक्ष से तहरीर प्राप्त कर दी गई है और थाना हरदुआगंज में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है समचीन धाराओं में। 2 टीमें लगी हैं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए, विवेचना प्रचलित है, जल्दी गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी के साथ चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। फाइनेंस कर्मी से 1.5 लाख का कैश लूट कर बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना पर एसपी पूर्वी समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और चोरों की तलाश में जुट गई। एक सीपेंद्र नाम का व्यक्ति है जो फाइनेंस कंपनी में काम करता है, उसने सूचना दी थी कि उसके साथ में लगभग 1.5 लाख की लूट हुई है। हम मौके पर पहुंचे हैं, अभी जांच जारी है, सभी बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे ये भी खंगाले जा रहे हैं, जो भी सच्चाई होगी जल्द ही अनावरण किया जाएगा। किस तरीके घटनाक्रम था, कितने लोग थे सर? 3 व्यक्ति बता रहा है, अपाचे बाइक पर थे, लाल कलर की थी अपाचे बाइक। क्या कोई हथियार वगैरह? एक तमंचे के
आज विश्व हेपेटाइटिस डे है। इस उपलक्ष्य में बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के गैस्ट्रो एट्रोलॉजी विभाग में हुई प्रेस वार्ता में हेपेटाइटिस के लक्षण और इसके बचाव के संदर्भ में जानकारी दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर वी के दीक्षित ने हेपेटाइटिस से बचाव के लिए उपाय बताए। हेपेटाइटिस डे इसलिए मनाते हैं कि हम लोगों को ये जागरूकता करें, लोगों को जागरूक करें कि हमारे लिए हेपेटाइटिस कितनी खतरनाक हो सकती है। खासतौर से ये हेपेटाइटिस बी और सी, ये दो वायरस जो विषाणु होते हैं, ये हमारे लिए, शरीर के लिए बड़े घातक होते हैं। और ख़ासतौर से ऐसा देखा गया कि हेपेटाइटिस बी का जो प्रेवलेंस है और जो लोग हैं, करीब 400 लोग एक्चुअली हेपेटाइटिस बी से किसी न किसी रूप में संक्रमित हैं। खबर शाजापुर से है, जहां के अल्हागंज थाना क्षेत्र में ट्रक ने कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में 11 कावड़िए घायल हो गए। सभी लोग गंगा घाट से जल लेकर वापस शिवालय के लिए जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि ट्रॉली में लगभग 40 कावड़िए सवार थे। एक ट्रैक्टर में दो ट्रॉलियां जुड़ी हुई थी। कुटीली गाँव में लगभग 6 बजे कांवड़ियों की ट्राली आ रही थी और उसमें पीछे ट्रक भी आ रहा था, तो उसमें चलते समय थोड़ी ट्रैक्टर को जो है पीछे से जो है ओवरटेक करते समय ठोकर लगी, जिससे जो है ट्राली पलट गई। ट्राली पलटने से जो है कुछ लोग जिनको रगड़े वगड़े लगी हैं, कुछ लोगों के 5 लोगों के फ्रैक्चर हुआ है बाजू पे, पाँव पे, और उनको जो है तुरंत अस्पताल जो है रवाना कर दिया गया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां के लोनी में रंगदारी मांगने को लेकर रात में दीवार कूदकर बदमाश घर में घुस गए, जिसके बाद पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों में भगदड़ मच गई। बता दें ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बढ़ती महंगाई से नाराज आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि कलेक्ट्रेट गेट पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंप कर नाराजगी जताई। लठी लगा करके कफन महंगा कर दिया। संतान घाट की लकड़ी जिस पर दाह संस्कार होता है मुर्दे का, उस लकड़ी पर GST लगा करके इन्होंने लकड़ी को महंगा कर दिया है। मोदी सरकार देश के अंदर जब से इसकी सरकार बनी है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। आम जनता, किसान, नौजवान, बेरोजगार, हर यहाँ तक कि देश की पूरी जनता तरक्त है, सिर्फ इनके चंद मित्र पूंजीपति ही खुश है। मोदी जी, देव मोदी जी की सरकार सिर्फ उन्हीं पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका के एक प्राचीन शिव मंदिर को प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेजा है, जिसके बाद स्थानीय लोग इस नोटिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर के पुजारी का अपना खर्च ही लोगों से मिले दान के पैसों से चलता है, ऐसे में वो टैक्स कहाँ से भर सकेंगे। नगर, ये तो सरासर गलत है। यहाँ पे खोड़ा में कोई सुविधा नहीं, केवल कूड़ा उठता है। यहाँ पे बारिश के टाइम में खोड़ा से क्रॉस करना, चारों तरफ कमर कमर से पानी भर जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है, पानी व्यवस्था नहीं है, नाली हम लोगों ने बनवाई है। ये रोड पहले प्रधानी में बना हुआ है। नगर पालिका ने क्या सुविधा दी है जो टैक्स दे रही मांग रही है। टैक्स भी आज की डेट में अगर हम 5 रुपये की मूँगफली भी लेते हैं तो उसका वो ऑनलाइन पेमेंट होता है। जब तक पानी नहीं आएगा यहाँ पर, तब तक कोई टैक्स वैक्स नहीं है। मंदिर का टैक्स तो मतलब ही नहीं उठता। मंदिर को दुनिया दान देती है, सरकार भी देती है दान, उल्टा टैक्स और मांग रहे हैं। नगर पालिका गलत कर रही है बिल्कुल। ये सरासर कहाँ से देंगे पंडित लोग यहाँ टैक्स वगैरह? पंडित लोग तो खुद ही अपनी गुजर बसर करते हैं, टैक्स कहाँ से भरेंगे वो? और कोई उनकी कोई निजी संपत्ति थोड़ी ना है। मंदिर कोई किसी की निजी संपत्ति थोड़ी ना होती है। इस पर टैक्स का क्या मतलब है? कोई भी मंदिर हो, ये तो सदियों पुरानी चीज है, प्राचीन से चली आ रही है। तो
खबर शाजापुर की गांधी भवन की है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार की विद्युत योजना को लेकर हासिल की गई उपलब्धियों को गिनाया गया। इसके साथ ही हर घर बिजली योजना की सफलता का गुणगान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ बिजली विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। आने वाले हैं 75वें वर्ष में, तो उसी के अवसर पर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी महोत्सव के सहारे से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको प्रचारित करने का प्रयास है, एक भारत सरकार का प्रयास है। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट 2047 ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75वीं वर्षगांठ हो रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में मनाया जा रहा है। देश के आज़ाद होने के बाद से अब तक बिजली को लेकर के कितना प्रगति हुई है, विगत 8 वर्षों में युद्ध स्तर पे इसमें प्रगति हुई है। तो भारत सरकार द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। खबर अलीगढ़ के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट से है, जहां आगामी त्योहारों के चलते डीएम और एसएसपी कलानिधि नेथानी ने संयुक्त रूप से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और इसी दौरान जिलाधिकारी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर घर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील भी की। सावन के 2 सोमवार बाकी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कांवड़िए बड़ी मात्रा में शहर में आ रहे हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, जिसमें आवागमन बहुत तेज़ हो जाता है, तो बहनें आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, और मुहर्रम में बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो शांति समिति की बैठक है पूरे ज़िले की, उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। और जो विभिन्न समुदाय हैं जो विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं, उनसे उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं इस पर चर्चा की गई है, जो इंतजाम करने होते हैं उस पर बात हुई है। तो मैं समझता हूं कि पूरे अलीगढ़ में बहुत अच्छे से ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां प्रदेश का पहला एंटी रेबीज क्लिनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़ में खोला गया है, जिसका शुभारंभ स्वास्थ्य निदेशक एसके सिंह ने फीता काट कर किया। वही इस दौरान क्लिनिक में मौजूद सभी डॉक्टरों को बधाई दी गई। ये पिछले एक वर्ष से पूरे प्रदेश में एक हम लोग प्लान कर रहे थे कि जो कुत्ते काटे के मरीज आते हैं उनका टीका लग जाता था यहाँ से, और टीका लगने के बाद हम लोग उनको बता देते थे कि भैया साबुन से हाथ घाव धोना है, तो वो लोग अपने चले जाते थे। ये पता नहीं चल पाता था कि घाव को किस तरीके से धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर कई बार ऐसा हुआ कि 6 महीने बाद या 5 महीने या साल भर के बाद रेबीज़ हो गया टीका लगने के बाद भी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी एक नई पहल ऐसा किया जाए जिससे कि संवेदना और संचार और प्रचार सारी चीज़ें हमारी जनमानस में हो जाए। तो हम लोगों ने एंटी रेबीज क्लिनिक की स्थापना करी, क्योंकि इस बीमारी से बचने की संभावना नहीं होती, एक बार ये बीमारी हो जाती है। खबर फतेहपुर से है, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अधेड़ की दिनदहाड़े निर्मम हत्या के मामले में आरपीआई पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और आरोपियों पर 45,000 का जुर्माना लगाया। खबर हरदोई से है, जहां जनपद में तैनात 7 उप निरीक्षक प्रमोशन पाकर निरीक्षक बने, जिसमें मौके पर आए 5 निरीक्षकों के एसपी राजेश द्विवेदी ने बैच और स्टार लगाकर बधाई दी। वहीं एसपी ने सभी निरीक्षकों के उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि सभी अपने कार्यों को पूर्ण करें और पूरी तरह कर्मनिष्ठता के साथ करें। जनपद के 7 उप निरीक्षक इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हुए हैं, जिसमें से 5 को आज मेरे द्वारा अपर पुलिस निरीक्षक पूर्वी पश्चिमी द्वारा फ्लैप और उनको लगा करके इंस्पेक्टर के बैच लगाए गए। बढ़ती महंगाई से नाराज आम आदमी पार्टी ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया और इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि कलेक्ट्रेट गेट पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंप कर नारेबाजी भी किया। आपको बता दें, गोरखपुर में कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में पुतला जलाने की बात भी कही है। केंद्र सरकार जो भाजपा की बनी है दलालों की सरकार है, ये
देशभक्त नहीं का अपने हैं, ये देशद्रोही हैं, ये आम जनता के ऊपर जीएसटी के रूप में लूट रहे हैं आम जनता को टैक्स लगाकर, दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटे पे इन लोगों ने जीएसटी लगा करके बहुत ही बड़ा धोखा का काम आम जनता के साथ किया है। और आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में इनके खिलाफ बगावत कराएंगे और जनता इस बगावत के लिए तैयार है। इनको सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो श्रीलंका का हाल इस महंगाई के वजह से भारत में भी हो सकता है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच